हाँ तो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। घर पे बैठिए, लॉकडाउन का मजा लीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हमको तो चाहिए बाबू 400 मार्क्स, 400 प्लस। हर एक बच्चे से ये आशा है मेरा, 400 प्लस मार्क्स आना है तो आना है। इसलिए घर पे बैठिए, खूब मजा के पढ़ाई कीजिए। तब पर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप फोन कीजिए, हम आपको टाइम बता देंगे कि इस टाइम में आइए और आपका सॉल्यूशन, जो आपका कोई प्रॉब्लम होगा वो उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है? चलिए, जैसा कि कल तक हम पढ़े थे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस, ठीक है? आज हम लोग का डिस्कशन होगा लेंस मेकर फॉर्मूला। ये भी लेंस मेकर फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और लेंस मेकर फॉर्मूला भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यानी इस चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अभी बना है, रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस और लेंस मेकर फॉर्मूला। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, लेंस मेकर फॉर्मूला में सबसे पहले हम एक लेंस लेते हैं। ये लेंस, इस लेंस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस कहेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। लेंस के बारे में डिस्कशन हम थोड़ा देर के बाद, मतलब कल करेंगे। आज ये समझिए कि लेंस कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। और ये जो है अपना प्रिंसिपल एक्सिस, इसका नाम तो पहले से ही आप लोगों के जुबान पे बहुत बार आया होगा। इसको कहते हैं अपन प्यार से प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देखोगे तो ये लेंस 2 गोला से बना हुआ है, एक गोला ये और एक गोला ये। तो अगर मान लेते ये एक गोला है और ये एक गोला है, तो इस गोला का केंद्र कहां है? यहां। इस गोला का केंद्र कहां है? यहां। बात समझे? तो लेंस के पास अगर कोई आपसे पूछेगा कि लेंस के पास कितना केंद्र होता है, कितना सेंटर होता है, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए? 2 सेंटर होता है, ठीक है? ये देखिए, यहां पे इसके कारण, इसको हम यहां पे नाम दिए C1, सेंटर 1, और इसके कारण यहां पे नाम दिया हम C2। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, C1, C2, रमेश, सुरेश, गणेश, महेश, कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है? यहां से, अच्छा, ये रेयर मीडियम है और लेंस का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये डेंसर मीडियम है और फिर से ये रेयर मीडियम है, ठीक है? इस मीडियम को हम μ1 मान लें, या μ1 में कंफ्यूज नहीं कीजिए, μr मान लेते हैं। इस मीडियम को बाबू ने μd मान लें और ये भी मीडियम क्या हो जाएगा? फिर से μr। तो आप क्या देख रहे हो? अभी जो हमारा फॉर्मूला निकलेगा वो फॉर्मूला कब मान्य होगा? तो जब इस लेंस को रखेंगे और लेंस के इधर भी वही मीडियम है और लेंस के इधर भी वही मीडियम होगा, सेम मीडियम होगा, तभी ये फॉर्मूला हम जो ला रहे हैं वो मान्य होगा, अन्यथा मान नहीं होगा, ठीक है? यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखे ओ, इस ऑब्जेक्ट से एक रे गया, इस रे को हम नाम देंगे इंसिडेंट रे, ठीक है? अब ये सर्कल देख रहे हैं, ये एक वृत्त देख रहे हैं जिसका केंद्र C1 है, तो यहां पे एक नॉर्मल बनेगा C1 पे, कहां से? ये सतह से, S1 सतह से, और ये सतह को नाम देते हैं S2 सतह, ठीक है? तो S2 सतह का नॉर्मल कहां बनेगा? तो आंसर है ये है, S2 सतह का नॉर्मल C2। कोई दिक्कत? आते हैं, ये कौन सा रे है? इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल है। फिर ये रे, अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रे सीधा ऐसे जाता, लेकिन इस लेंस के कारण लेंस का अपना एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो वो क्या करता है? रे को मोड़ता है। अब ये रे को किधर मोड़ेगा? तो ये ऐसे जाता, तो ये रे को मोड़ के कैसे लाया? तो आंसर है ऐसे लाया। कैसे लाया? ओ से ए गया, फिर यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ, फिर ये रे ऐसे आया। अगर ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होता तो ये रे कैसे जाता? तो सीधा आंसर है ऐसे जाता, आई डैश। बट ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, गौर से देखिएगा, यहां पे फिर से एक नॉर्मल बनाएंगे, वो नॉर्मल कौन होगा? तो आंसर है ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये ऐसे जाता। अब ये डेंसर से रेयर जा रहा है, इसलिए ये बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इमेज कहां, फाइनल इमेज कहां बना? तो आंसर है यहां बना, आई पे।
गौर से सुनिएगा, ये एक सेंटर ले लेते हैं O, O डैश। तो फिर से एक बार O से A इंसिडेंट ले गया, फिर यहां पे रेयर से डेंसर में जाने पे लाइट रे, एक बार पूरा, फिर से यहां पे डेंसर से रेयर जाने में लाइट रे, एक बार पूरा। तो ये फाइनल इमेज आई पे बना और इस सतह के कारण, एस1 सतह के कारण जो इमेज बना वो आई डैश पे बना। ये सब चीज आपके कॉपी में लिखा हुआ है, हम यहां पे बस मैथमेटिकल इक्वेशन बस बनाएंगे। बात समझ में आ गया? तो यहां पे रिफ्रैक्शन कितने बार हो रहा है? तो आंसर है दो बार हो रहा है, एक बार रेयरर से डेंसर हो रहा है, दूसरे बार डेंसर से रेयरर हो रहा है। कल रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था? म्यू डी बाई वी माइनस म्यू आर बाई यू इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर बाई आर। कल के फॉर्मूला में बताए हुए थे कि ऑब्जेक्ट अगर रेयरर में होगा, ऑब्जेक्ट अगर रेयरर में होगा तो यू आर के नीचे आएगा, ठीक है? तो यहां पे रिफ्रैक्शन कितना बार हो रहा है? तो आंसर है एक बार यहां एस वन पे, एक बार एस टू पे। तो यहां पे बोलेंगे फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एस वन। तो यहां पे एक बार रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस का फॉर्मूला लगाएंगे, जो क्या था? म्यू डी बाय रेयरर से डेंसर जा रहा है ना, तो म्यू डी बाय वी माइनस म्यू आर बाय यू इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर बाय आर। अब यहां पे देखिए म्यू डी फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस एस वन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है? म्यू डी भी क्या है? इमेज। तो एस वन के कारण इमेज कहां बना हुआ है? तो इमेज बना आई डैश पे। तो क्या हो जाएगा? ओ डैश आई डैश। अब जितना भी रे है, यानी साइन कन्वेंशन क्या कहता है, सब कुछ आप यहां से मापेंगे। तो इंसिडेंट रे देख रहे हैं इधर जा रहा है, और ये ऐसे मापेंगे ना, तो ये भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे जा रहा है, तो ये प्लस होगा। ओ डैश आई डैश क्या होगा? प्लस होगा। माइनस म्यू आर बाय यू, ऑब्जेक्ट कहां है? तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस S1 के लिए ऑब्जेक्ट यहां है, तो क्या होगा? O-O, O-O। तो इंसिडेंट रे तो ऐसे जा रहा है ना, ये देख रहा है ना, और O-O कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, तो उल्टा साइन, तो माइनस इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर बाय। अच्छा, S1 सरफेस के लिए R कहां है? तो आंसर है S1 सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए R इधर है, O-C1, O-C1। ये प्लस में होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है। बात समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर रिफ्रैक्टिंग सरफेस S2। अब S2 सरफेस के लिए लाइट कहां से जा रहा है? डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है। पहले केस में रेयर से डेंसर, अब दूसरे केस में इस सतह के लिए डेंसर से रेयरर। तो क्या होगा? मेरा फॉर्मूला जो था वो बदल जाएगा। मेरा फॉर्मूला था म्यू डी बाई वी माइनस म्यू आर बाय आर इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर बाय आर, म्यू आर बाय यू। ये फॉर्मूला में म्यू डी और म्यू आर चेंज हो जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? म्यू आर बटा वी माइनस म्यू डी बटा यू इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू डी बटा आर। यह अपना फॉर्मूला हो जाएगा। रिफ्रैक्टिंग सरफेस एस टू के लिए देखिए म्यू आर बटा वी कहां है, इमेज कहां है? तो इमेज, फाइनल इमेज तो ओ डैश आई बनेगा, ओ डैश आई। ये तो प्लस नहीं रहेगा क्योंकि इधर है, माइनस म्यू डी बट्टा यू क्या होगा? यू क्या होगा? ऑब्जेक्ट, यानी इस सतह के लिए ऑब्जेक्ट कहां है? जो इस सतह के लिए इमेज रहेगा वो इस सतह के लिए ऑब्जेक्ट। तो इस सतह के लिए इमेज कहां है? ओ डैश आई डैश। तो ये क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा? ओ डैश आई डैश। प्लस या माइनस? तो आंसर है इधर है, प्लस होगा। इक्वल टू म्यू आर माइनस म्यू डी बट्टा आर। तो इस सतह के लिए R कहां है? तो आंसर है इधर है, O-C2, तो माइनस O-C2, क्योंकि इधर है ना। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2।
अब क्या करेंगे हम कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे, तो लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो इस दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए म्यू टी बट्टा ओ डैश आई डैश माइनस म्यू टी बट्टा ओ डैश आई डैश, ये दोनों कट जाएगा तो बचा क्या माइनस माइनस प्लस म्यू आर बट्टा ओ डैश को माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और इधर क्या बचा म्यू आर बट्टा प्लस म्यू आर बट्टा ओ डैश आई हो गया इक्वल टू म्यू टी माइनस म्यू आर बट्टा ओ डैश सी वन प्लस कर रहे हैं हम, तो यहां पे प्लस म्यू आर माइनस म्यू डी म्यू आर माइनस म्यू डी बट्टा माइनस ओ डैश सी टू ठीक है। अब यहां पे करेंगे क्या म्यू आर इस दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया वन बाई ओ डैश को प्लस वन बाई ओ डैश आई इक्वल टू। देखिए अगर इसको हम म्यू डी माइनस म्यू आर लिख लें तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा चीज आपको एलिमिनेट करना होगा, म्यू डी माइनस म्यू आर बट्टा ओ डैश सी वन ठीक है, ये क्या हो गया माइनस यहां से कॉमन ले लिए तो प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा म्यू डी माइनस म्यू आर बट्टा माइनस ओ डैश सी टू समझे, यहां से माइनस कॉमन लिए तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा। अब म्यू आर वन बट्टा ओ डैश को प्लस वन बट्टा ओ डैश आई, अब यहां से म्यू डी माइनस म्यू आर म्यू डी माइनस म्यू आर कॉमन आ गया क्या हुआ वन बाई ओ डैश सी वन माइनस माइनस प्लस वन बाई ओ डैश सी टू ठीक है वन बाई ओ डैश सी टू। ये देखिए अब इसमें आप फिर से साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे ओ डैश ओ, ओ डैश ओ क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वन बाई म्यू आर इंटू वन बाई ओ डैश ओ क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो माइनस यू काई की इधर है, जितने बार आप यूज कीजिएगा उतने बार साइन कन्वेंशन का यूज करना है ठीक है, प्लस वन बाई ओ डैश आई, ओ डैश आई फाइनल इमेज है तो वन बाई वी इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर इंटू ये क्या हो गया वन बाई ओ डैश सी वन, ओ डैश सी वन ये क्या है आर वन, और ये क्या है ओ डैश सी टू आर टू, तो R1 प्लस में होगा R2 माइनस में होगा क्योंकि इंसिडेंट रे तो अपना ऐसे जा रहा है ना, तो 1 by R1 प्लस 1 by माइनस R2। फिर से यहां पे आप देखिएगा इस म्यू आर को नीचे कर दें तो 1 by V माइनस 1 by U इसको ऐसे लिखे इक्वल टू म्यू डी माइनस म्यू आर बट्टा म्यू आर इंटू 1 by R1 माइनस 1 by R2 1 by v minus 1 by u को लेंस फार्मूला से इधर आ रहा है 1 by v minus 1 by u को लेंस फार्मूला से हम क्या लिख सकते हैं 1 by f equal to ये कितना हो गया mu d बट्टा mu r minus mu r बट्टा mu r into 1 by r1 minus 1 by r2, तो ये क्या हो गया 1 by f equal to mu d बट्टा mu r माइनस वन इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, यही अपना फॉर्मूला हो गया ठीक है बच्चों, यही अपना फॉर्मूला हो गया। और इस डेरिवेशन को आपको पांच बार करना होगा, पांच बार जितने बार में आपको रटा जाए, क्योंकि इस बार के एग्जाम का हिट लिस्ट क्वेश्चन है बीबीआई लेंस मेकर फॉर्मूला, बहुत बार आया है और इस बार आएगा ही लेंस मेकर फॉर्मूला। अब कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को समझिए कि क्या है कि ये लेंस है, इस लेंस को रखें और इधर भी लेंस के इधर भी सेम मीडियम है और लेंस के इधर भी सेम मीडियम है, तब ये फार्मूला है। ये इस फार्मूला को याद कैसे करेंगे 1 by r equal to μd / μr - 1 into 1 by r1 - 1 by r2,
जैसे कि हम एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये तो आपके कॉपी पे लिखा हुआ है, इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। जैसे कि इसमें क्वेश्चन क्या होता है वो समझिए। ये एक लेंस है और इस लेंस का आपको R1 दे दिया जाएगा, R2 दे दिया जाएगा, तो यहां पे रख दीजिएगा। फिर से R1 और R2 लिखेंगे तो साइन के हिसाब से रखना होगा, ठीक है। जितना बार आप फॉर्मूला का यूज कीजिएगा उतना बार साइन कन्वेंशन, R1 R2 दिया रहेगा और यहां पे ये एयर है, एयर है तो μr क्या हो जाएगा 1, और इस लेंस का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.5 मान लेते हैं, तो 1.5 बटा 1 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा माइनस 1 बाय R2, इससे फोकल लेंथ निकल जाएगा, बात समझे। अब मान लेते हैं इसी लेंस को पानी में ले गए, लेंस तो यही ना है, तो लेंस अगर सेम रहेगा तो R1 और इसका R2 चेंज नहीं करेगा, बात समझ में आ गया। अब इसको पानी में रख दिया, अब म्यूडी क्या होगा, तो आंसर है म्यूडी लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, क्योंकि यहां पे म्यूडी हम क्या माने, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये चीज याद रखना चाहिए। और μr क्या होगा, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम लोग कह सकते हैं इस फॉर्मूला को ऐसे करके भी लिख सकते हैं, आप ऐसे नहीं याद करके, हम बोलेंगे आप ऐसे याद कर लीजिए कॉम्पिटिशन में, म्यू लेंस म्यूडी है ना, इसको म्यू लेंस कर दीजिए, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है, बट्टा म्यू सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, इस लेंस के चारों तरफ जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंगे म्यू सराउंडिंग, माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। अगर ये फॉर्मूला याद करते हैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ऊपर में क्या है, म्यू लेंस, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेना है, सराउंडिंग क्या है, इसके चारों तरफ क्या है, पानी है, तो पानी का ले लेना है, माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 पता है, R2 पता है, इससे 1 बाय R फोकल लेंथ निकल जाएगा, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन को 5 से 6 बार अपनी कॉपी में बैठ के कीजिए, ये आज का होमवर्क है आपका, ठीक है। उसके बाद कल हम आगे इसके आगे पढ़ाएंगे, आपको लेंस के बारे में बताएंगे कि लेंस कितने टाइप का होता है, लेंस से क्या होता है, हर लेंस के यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ रखे तो कहाँ बनेगा, यहाँ रखे तो कहाँ बनेगा, समझे। और इस लेंस मेकर फॉर्मूला को 5 से 6 बार प्रैक्टिस कीजिए कॉपी में, ठीक है, क्योंकि इस बार का आने वाला क्वेश्चन है और कॉम्पिटिशन में बहुत क्वेश्चन इससे आता है, और कॉम्पिटिशन के लिए फॉर्मूला याद रखिए, 1 by f equal to mu lens बटा mu surrounding minus 1 into 1 by R1 minus 1 by R2। लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ऊपर में रखेंगे, लेंस के चारों तरफ का जो मीडियम है वो नीचे रखेंगे, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स R1, लेंस का ये R1। अब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि सर R1 किसको कहेंगे, R2 किसको कहेंगे, क्या इसको R1 कह सकते हैं, क्या इसको R2 कह सकते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लाइट पहली बार जहां पे स्ट्राइक करेगा, ये रे यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, ये R1 बोल दीजिए, अगर रे ऐसे स्ट्राइक कर रहा है ये R1 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और R2, R1 और R2 को साइन के हिसाब से लेंगे, बात समझ में आ गया। चलिए आज के लिए इतना, कल हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, बेस्ट ऑफ लक।